हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम करते हैं क्लास टेंथ मैथ एक्सरसाइज 4.2 का पार्ट टू। ठीक है ना, पार्ट वन में मैंने आपको कराया था, इसका फर्स्ट क्वेश्चन के ऑल पार्ट्स आपको कंप्लीट करा दिए थे। आज हम जो है वो इसका पार्ट टू कंप्लीट करते हैं। पार्ट टू में हम देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हमने करने हैं, तो ये हम अभी देख लेंगे। तो पार्ट टू में हमने करना है फर्स्ट ऑफ ऑल सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है एक्सरसाइज 4.2 का, देखो एक्सरसाइज 4.2 का सेकेंड क्वेश्चन। एक्सरसाइज 4.2 के सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या कहा हुआ है, सोलो द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल वन। एग्जांपल वन में जो प्रॉब्लम गिवन है हमने उसको सोल्व करना है। तो एग्जांपल वन में क्या प्रॉब्लम है, एग्जांपल वन में आपको क्या प्रॉब्लम दी हुई है, मैं ओपन कर लेता हूँ। एग्जांपल टू है, एग्जांपल वन में आपको प्रॉब्लम गिवन है बेटा जी, ये एग्जांपल वन में आपको प्रॉब्लम गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स प्लस 20। इसके आपने फैक्टर बनाने हैं एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू जीरो। इसके आपने जब फैक्टर बनाने हैं, ठीक है, तो इसके आप फैक्टर कैसे बनाइएंगे देखिए। फैक्टर बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, जो एक्स स्क्वायर के साथ वैल्यू गिवन है, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं गिवन है, तो ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू क्या होगी, जो एक्स के साथ गिवन है माइनस 40 और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 324। तो आप लिख दोगे a इंटू सी 1 इंटू 324 करके देखिए तो आ जाएगा 324। 324 के आप फैक्टर बना लोगे, क्या आ जाएगा 2 और ये आ गया 162। 2 से इसको कट करोगे 81, 3 से कट करोगे तो 9, फिर से 3 से कट करोगे तो 27, 3 से कट करोगे तो 9, फिर 3 से कट करोगे तो 3 और 3 से फिर कट करोगे तो 12। ये आपके पास वैल्यूज आ गया। अब हमने करना क्या होता है, 45 माइनस 45 लाना है। तो माइनस 45 भी जो बी की वैल्यू होते हैं वो हमने बनाना है इससे, ठीक है ना। तो माइनस 45 कैसे बनेगा देखो, 3 3 9, 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36। इन चारों वैल्यू को करके तो क्या आ रहा है 36, ठीक है, और इन टू वैल्यू करके क्या आ रहा है 9। तो आप लिख सकते हो माइनस का 36 माइनस 9, माइनस 36 माइनस 9 देखो 45 भी हो जाएगा, और आपको मल्टीप्लिकेशन करके क्या आना चाहिए 324। तो ये हो गया 324। तो मल्टीप्लाई करके देखो 36 को 9 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 324 भी आ जाएगा। ओके, तो ये आपके फैक्टर बन गया। अब आप क्वेश्चन को लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस का 45x प्लस 324 इज इक्वल टू जीरो। ये क्वेश्चन मैंने लिख लिया जो स्टार्टिंग में दिया हुआ था। ये सर आपका वैसे तो रफ का काम होता है, लेकिन आप मतलब क्वेश्चन को करते टाइम ये लिख भी दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, एक्स इंटू एक्स, 45 को आप क्या लिख सकते हो माइनस का 36, एक्स माइनस 9x, और 324 को क्या लिख दोगे 36 इंटू 9 इज इक्वल टू जीरो। तो ये हो जाएगा आपका एक्स इंटू एक्स, 36 इंटू एक्स, 9 इंटू एक्स और प्लस 36 इंटू 9 इज इक्वल टू जीरो। पहली दो वैल्यू में से कॉमन अलग लो, सेकंड दो वैल्यू में से कॉमन, इसमें एक्स आ गया देखो, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स, एक्स कॉमन, जिसको मैंने टिक नहीं लगाया वो जो ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स माइनस 36, इसमें से 9 कॉमन, तो यहाँ से क्या बच गया एक्स, देखो जिसको टिक लगाया वो कॉमन, तो यहाँ से बचेगा आपका एक्स और माइनस बाहर आ गया, ये प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा, साइन चेंज इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स माइनस 9, एक्स माइनस 36 इज इक्वल टू जीरो। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी एक्स माइनस 9 जीरो के इक्वल अलग और एक्स माइनस 36 जीरो के इक्वल अलग। तो एक्स इज इक्वल टू 36 और एक्स इज इक्वल टू 9। ओके, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, देखो इसके दो पार्ट हैं। एग्जांपल फर्स्ट है जब हमारे पास दो पार्ट है, तो दो पार्ट हम देखते हैं। देखो एक और पार्ट हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना, ये हमें क्वेश्चन दिया। तो आप क्या लिखोगे, देखो ए की वैल्यू जो एक्स स्क्वायर के साथ है कुछ नहीं गिवन है तो 1, बी की वैल्यू माइनस 55, सी इज इक्वल टू 750। तो ए इंटू सी को मल्टीप्लाई कीजिए, 1 इंटू 750 तो आ जाएगा 750। 750 का आप फैक्टर बना लो, 750 के फैक्टर बनाओगे तो ये हो जाएगा 375। 3 से करके देखिए तो 3 से करने में क्या आएगा, 3 1 3 3 2 6, 3 5 15। फिर आप किससे करके देखोगे इसको, 5 से तो 25, फिर से 5 से करोगे तो 5,
फिर से 5 से करोगे तो 5 1, तो ये वैल्यू आ गई। ओके, तो आपको बनाना क्या है, -55। जो बी की वैल्यू होती है वो आपको बनाना होती है, ठीक है, -55। तो -55 कैसे बनेगा वो हमें जो है थोड़ा सोचना पड़ेगा, बस यही यहाँ पर ये काम मेन होता है। देखो 5 5 = 25, ओके, 5 3 = 15, 15 2 = 30, तो देखो 30 और 25 बन गए ना। आप इसे लिख सकते हो -30 और -25, 30 और 25, यानी -30 और -25। अब मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, 750। तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आने जाएगा, देखो 30 और 25 को मल्टीप्लाई करोगे तो 750 हो जाएगा। तो इट मीन आपके इस क्वेश्चन के फैक्टर क्या बन गया, x² माइनस का 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। तो इसे आप लिख सकते हो x² 55x को आप क्या लिख दोगे, -30x - 25x, और इसे 30 × 25 इज इक्वल टू 0। तो x (x) - 13(x) - 25(x) + 30(25) इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू वैल्यूज में से कॉमन और सेकंड टू वैल्यूज में से कॉमन, फर्स्ट टू वैल्यूज में से क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन, तो ये बच गया x - 30। नेक्स्ट टू वैल्यू में से 25 कॉमन, तो ये बन गया x - 30 इज इक्वल टू 0। तो x - 30 और x - 25 इज इक्वल टू 0। तो x - 30 0 के इक्वल अलग, x - 25 0 के इक्वल अलग, तो x की वैल्यू आ जाएगी 0, ये 30 उधर जाके प्लस, तो x = 30 और x = 0 + 25 दूसरे साइड जाके ऐड, तो x = 20। ओके, तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 4.2 का थर्ड नंबर क्वेश्चन। 1 और 2 क्वेश्चन हो गया है इसके, ठीक है ना। थर्ड नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, देखिए बेटा थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपको क्या कहा, फाइंड टू नंबर वुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। टू नंबर्स आपने फाइंड करने हैं जिनका सम 27 है और प्रोडक्ट क्या है 182। तो टू नंबर्स अगर हमें फाइंड करने हैं तो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, इनको लेट कर लेते हैं, कि लेट वन नंबर इज इक्वल टू एक्स एंड सेकेंड नंबर इज इक्वल टू वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या कहा हुआ क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा हुआ, कि वुज सम इज 27, सम हमें कितना गिवन है 27। तो सम का मतलब है कि एक्स प्लस वाई दोनों हमें कितने गिवन है 27। ये इक्वेशन वन बन गई, देखो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 27। और दूसरा हमें क्या गिवन है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट हमें क्या गिवन है 182। प्रोडक्ट यानी कि x (y) = 182, ये हो गया xy = 182, सेकेंड नंबर इक्वेशन, ठीक है। तो आप क्या कर लोगे, अब ये आपके पास टू इक्वेशन आ गया है, तो इसको आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर देना। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपने देख लिया था, सब्स्टिट्यूशन आपने मेथड देखा था ना, कि आपने कैसे इसको सॉल्व कर लिया था चैप्टर 3 में, ठीक है ना। तो आप क्या कर लेते हो, फर्स्ट इक्वेशन को स्प्लिट कर लेते हैं, x + y = 27, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 27, x जो है वो दूसरी साइड जाके माइनस। ये आपके पास इक्वेशन नंबर क्या बन गया, थर्ड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में यही करते थे ना हम, कि एक इक्वेशन को स्प्लिट कर लेते थे दोनों में से और वो थर्ड नंबर इक्वेशन बन जाती थी, तो वही यहाँ पर हमने करना है। तो अब आप क्या कर दोगे, पुट कर दोगे y = 27 - x इन इक्वेशन नंबर सेकेंड में। सेकेंड नंबर इक्वेशन क्या है आपके पास, xy = 182, तो x y की वैल्यू क्या आई है 27 - x = 182। तो x को 27 से करोगे 27x, x को x से करोगे तो x² और = 182। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी x² 27x इधर जाके नेगेटिव और 182, तो है ये अपनी जगह पे पॉजिटिव। बस ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, देखो अभी ये नेगेटिव आ गया, तो मैं इसको दूसरी साइड ले गया ये पॉजिटिव, इसको राइट साइड में लेके गया नेगेटिव, और 182 तो अपनी साइड जगह था ही पॉजिटिव। अब हमें इसको सोल्व करना है, अब आप इसके जो फैक्टर बना लो या डी वाले मेथड से कर लो, दोनों मेथड से कर सकते हो, आंसर आपका जो है वो सेम ही होगा, ठीक है ना। तो मैं नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ सोल्व, x² देखो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन में सबसे बड़ी बात यह है कि वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन में हमें मेथड नहीं बताया होता है कौन से मेथड से करना है, तो आप मेथड अपनी तरफ से कोई सा भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो ए की वैल्यू 1 जो x² के साथ की मैंने कुछ नहीं, बी की वैल्यू -27,
सी इज इक्वल टू 182। तो डी इज इक्वल टू आप क्या करोगे, बी स्केयर माइनस 4ac, बी यानी -27 का स्केयर, 4a की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 182। तो 27 का स्केयर कितना आ जाएगा, देखो 4 2 8, 4 8 32, और 3 7 28, और ये आ जाएगा 729। तो डी की वैल्यू आ गई आपके पास 1। हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर रहे हैं, ठीक है, फैक्टराइजेशन से नहीं कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला से यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एक्स इज इक्वल टू -b प्लस -√d अपॉन 2a। तो एक्स इज इक्वल टू -b की वैल्यू क्या है, माइनस का 27, प्लस -d की वैल्यू क्या है 1, 2a की वैल्यू भी 1। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 27 प्लस -1 का √1/2। तो एक्स इज इक्वल टू 27 प्लस 1/2, और एक और वैल्यू एक्स इज इक्वल टू 27 -1/2। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 28/2, और एक्स की वैल्यू 26/2। यह आ जाएगा आपको कट ओके 13, और यह आ जाएगा कट ओके 14, ठीक है। यह आ गया आपके पास वैल्यू। अब आप लिख सकते हो क्या कि व्हेन एक्स इज इक्वल टू 14, तो वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 नंबर में पुट कर दीजिए। 3 नंबर आपका क्या था, 27 माइनस एक्स, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 27 माइनस 14 यानी y इज इक्वल टू 13। मतलब आप लिख दोगे कि फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x था ना 14, और सेकंड नंबर इज इक्वल टू 13। ओके, ये तो इस केस में ऐसा हो सकता है कि x की वैल्यू क्या आई आपके पास 13। तो आप लिख सकते हो कि when x इज इक्वल टू 13, तो y क्या हो जाएगा, 27 माइनस एक्स, और y की वैल्यू आ जाएगी 27 माइनस 13, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 14। तो आप लिख सकते हो फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 13 इस बार, और सेकंड नंबर इज इक्वल टू 14। ये दोनों ही आपके क्वेश्चन के आंसर हो गए, ठीक है। क्योंकि देखो अगर फर्स्ट नंबर 14 होगा तो सेकंड नंबर 13 होगा, दोनों का सम 27 और प्रोडक्ट 182, जैसा क्वेश्चन में कहा हुआ था। ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट नंबर 13 हो और सेकंड नंबर 14, तो इन दोनों का सम भी 27 है, और मल्टीप्लिकेशन करके 182, ठीक है ना। तो दोनों ही इसके आंसर है ये। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर है आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपको क्या कहा हुआ है देखते हैं बेटा। 3 4 4 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या कहा हुआ, फाइंड 2 consecutive positive integers, सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 1 365। 2 consecutive number आपने फाइंड करने हैं जिनका सम ऑफ स्क्वायर क्या है, 365। आप लेट कर लोगे, लेट 2 consecutive integer इज इक्वल टू 2 consecutive integer आपके क्या होते हैं, एक आपने क्या लेट कर लेना है x, और एक x+1, ठीक है ना। इससे पहले वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ कॉन्जिकेटिव इंटीजर होता है एक के बाद एक, जैसे मान लो एक 7 तो एक 8, तो इसलिए हमने एक x लिखा तो एक x+1, ठीक है। तो एक कॉन्जिकेटिव इंटीजर हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या कहा हुआ है, हमें कहा हुआ है सम ऑफ व्हिच स्क्वायर, सम ऑफ व्हिच स्क्वायर कितना है 365। तो ये हो जाएगा सम ऑफ व्हिच स्क्वायर, सम ऑफ व्हिच स्क्वायर यानी कि फर्स्ट वाले का स्क्वायर प्लस सेकंड वाले का स्क्वायर और इनका सम, सम यानी कि प्लस, ठीक है ना। फर्स्ट वाले का स्क्वायर, सेकंड वाले का स्क्वायर और उनका सम हमें क्या गिवन है 365। तो ये हो गया एक्स की स्क्वायर, जैसे आप लिख दोगे यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी ए प्लस बी के होल स्क्वायर की, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 365। जैसे आप लिख दोगे एक्स की स्क्वायर, ए की जगह एक्स का, बी की जगह 1, 2a की जगह एक्स और बी की जगह 1, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 365। तो आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर, और प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 365। तो वैल्यू आ जाएगी 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 365 इधर आ गया माइनस, और इक्वल टू में क्या बचा सिर्फ 0। तो ये हो गया 2x की स्क्वायर प्लस एक्स 2x 365 में से 1 लेस करोगे तो 364, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हो बेटा, इसको जो है ना 2 से डिवाइड करके जो वो छोटी कर लो इक्वेशन को। ओके,
जिस वैल्यू से डिवाइड हो जाए दोनों, लेफ्ट भी और राइट भी, ठीक है ना, मतलब सारी वैल्यू डिवाइड हो जाए, तो उससे हम जॉब डिवाइड करके इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है। तो टू से टू ये कैंसिल आउट, टू से टू ये भी कैंसिल आउट, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये भी कैंसिल आउट, 182 इज इक्वल टू जीरो। तो ए की वैल्यू 1 जो एक्स स्क्वायर के साथ है, बी की वैल्यू जो एक्स के साथ है 1, सी की वैल्यू -182। तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac, बी यानी 1 का स्क्वायर, 4 ए की वैल्यू 1, सी यानी कि 182। तो 1 प्लस 4 2 8, 4 8 32, और 1 3 7 28, तो डी की वैल्यू आ गया 729। ओके, फिर आप नेक्स्ट फार्मूला अप्लाई करते हैं, आप लिख लो, यहाँ कर देता हूँ बेटा मैं। नेक्स्ट फार्मूला क्या है, एक्स इज इक्वल टू -b प्लस -√t अपॉन 2a। तो एक्स इज इक्वल टू -b की वैल्यू 1 और प्लस -d की वैल्यू क्या है 729, डिवाइड में 2a की वैल्यू 1। तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी -1 प्लस इसका रूट क्या आ जाएगा 27/2। तो एक्स की वैल्यू -1 प्लस 27/2, एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो ये आ जाएगा 26/2, और यहाँ पर आ जाएगा -28/2। तो एक्स की वैल्यू 13 और यहाँ एक्स की वैल्यू 14। तो आप लिख लोगे क्या कि 2 कॉन्जिगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू, आपने क्या ऐड किया था एक्स और एक्स प्लस 1, तो एक्स की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, एक्स की वैल्यू 13 और एक क्या हो जाएगा 13 प्लस 1, यानी आंसर क्या हो जाएगा 13 और कॉमा 14, यही आपके क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। 13, 14 आपके क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। ये वाली वैल्यू को आप रिजेक्ट कर दोगे, क्योंकि आपको पॉजिटिव इंटीजर उन्होंने फाइंड करने के लिए कहा था, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाला का आंसर, ठीक है। तो आज हमने इस वीडियो में देख लिया हमने कि हमने कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व किया, एक्सरसाइज 4.2 का सेकंड नंबर क्वेश्चन और थर्ड नंबर क्वेश्चन, सेकंड थर्ड और फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमने इस वीडियो में सॉल्व कर लिया, इसे हमने पार्ट 2 दिया है, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट, कोई डाउट हो तो आप पूछिएगा जरूर। ओके, गुड बाय बेटा।